मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमोंगस्ट इज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको बेंजीन डेरिवेटिव्स की फॉर्म में दी हुई है। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए बेंजीन डेरिवेटिव में हमें ऑर्थो पैरा ऑर्थो कंडीशन पे ये देखना है कि उसमें कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसको कम कर देते हैं। तो हम लोग यदि यहाँ पे देखें तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि ये पोजीशन क्या है, मेटा। ये पोजीशन क्या है, मेटा। ठीक, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये वाला जो पोजीशन है ये क्या है, पैरा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये वाला पोजीशन भी क्या है, पैरा। बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो ये जो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसके पड़ोस वाले ही एडजेसेंट पोजीशन पे हम लोग देखेंगे तो ये पोजीशन जो आपकी कहलाती है, मान लो कि ये कोई बेंजीन है और इस पे कोई ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो बच्चों को ये समझाएंगे कि ये वाला जो कंडीशन होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो। ठीक है, ये वाला कंडीशन भी क्या कहलाएगा, ऑर्थो। ऑर्थो के जो एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड मेटा। तो ये वाला जो पोजीशन है ये भी क्या कहलाता है, मेटा। ठीक है, मेटा कहलाएगा। और यदि हम लोग इसको देखते हैं तो ये वाला जो कंडीशन है मेटा के जो एडजेसेंट पोजीशन पे है ये कहलाता है पैरा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए और बच्चों को भी हमें बताना चाहिए ताकि वो लोग कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज द ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस। क्योंकि मोस्टली जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, कई बार 12th और टॉपर वाले स्टूडेंट्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ऑर्थो पैरा पोजीशन या मेटा पोजीशन हम लोग कहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन होती है ये भी क्या है, पैरा। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्थो पैरा जो कंडीशन होती है उस पर हमेशा कौन सा इफेक्ट लगता है। तो हमें ये भी बच्चों को सजेस्ट करना है कि ऑर्थो पैरा पे हमेशा जो इफेक्ट लगता है प्लस ए माइनस ए और प्लस एच माइनस एच लगता है, जबकि मेटा पे जो इफेक्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्लस आई और माइनस आई लगता है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है मेटा है, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमेशा कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे देखें सी एस की, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने हैं, थ्री है, इसलिए कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस एच। इसमें हम लोग कौन सा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने की वजह से ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस ए। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस करेगा और नेगेटिव रेजोनेंस करता है और कार्बोकेटायन को और ज्यादा क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर, और लॉन पेयर से प्रेजेंट होता है पहला एटम और उस पर लॉन पेयर यदि प्रेजेंट हो तो वो क्या लगाता है, प्लस एम, और ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमेशा जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कौन कौन से हो सकते हैं, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उनको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो ए और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो, और बी और सी में से यदि हम लोग कंपेरिजन करें तो बी में प्लस एच लग रहा है और सी में प्लस एम लग रहा है। यदि हम लोग इसको देखें तो प्लस एम मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है प्लस एच के कंपैरिजन में। ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, और ये हम लोग किसके केस में बता रहे हैं, डोमिनेटिंग फैक्टर ऑप्शन सी के केस में। ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, प्लस एम। तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो प्लस एम ज्यादा डोमिनेटेड है प्लस एच के कंपैरिजन में, इसलिए सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।